और इमरान खान कहा करते थे कि वो मुकम्मल बाइख्तियार हैं, किसी ने उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश की तो उसे फारिग कर देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा इमरान खान के कॉल ऑफ फेल में तजाद है, एस्टेब्लिशमेंट खामोश हुई तो अदलिया एक्टिव हो गई, इलेक्शन में खूनरेजी नजर आ रही है। इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मुझे फ़लाँ ने अब ये कहा, फ़लाँ ने अब ये कहा, मैं तो उनके बयानात पढ़ा करता था, वो कहते थे कि मैं आई एम ऑल इन ऑल, अगर मुझे किसी ने डिक्टेट करने की कोशिश की तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको सैक कर दूंगा। तो ये कॉल ऑफ फेल में तजाद अगर इतना ज़्यादा है तो फिर किस पे एतबार करे कोई? अब इस्टेब्लिशमेंट अगर खामोश है, वो कोई इतना वो नहीं कर रही, तो अब एक और निज़ाम हमारे एक्टिव हो गया है, ये क्यों होता है? अदलिया वाला ये जो आप इलेक्शन इलेक्शन कर रहे हैं, इस इलेक्शन में भी खून रेजी नज़र आ रही है, मुझे तो महल्ले महल्ले में लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मुझे फ़लाँ ने अब ये कहा, फ़लाँ ने अब ये कहा, मैं तो उनके बयानात पढ़ा करता था, वो कहते थे कि मैं आई एम ऑल इन ऑल, अगर मुझे किसी ने डिक्टेट करने की कोशिश की तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको सैक कर दूंगा। तो ये कॉल ऑफ फेल में तजाद अगर इतना ज़्यादा है तो फिर किस पे एतबार करे कोई? अब इस्टेब्लिशमेंट अगर खामोश है, वो कोई इतना वो नहीं कर रही, तो अब एक और निज़ाम हमारे एक्टिव हो गया है, ये क्यों होता है? अदलिया वाला ये जो आप इलेक्शन इलेक्शन कर रहे हैं, इस इलेक्शन में भी खून रेजी नज़र आ रही है, मुझे तो महल्ले महल्ले में लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं।